आज आपणे धोरण 5 हिंदी में आपणे पाठ 1 એટલે વર્કશીટ 1 અને પાઠ 2 એટલે કે વર્કશીટ 2 તેમજ પાઠ નંબર 3 નું આપણે પુનરાવર્તન એટલે કે રિવિઝન કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે પાઠ 1 જોઈએ એટલે કે વર્કશીટ 1 જોઈએ. પાઠ 1 નું નામ છે યાતાયાત. તો આજે આપણે તેનું રિવિઝન કરીએ. તો તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्प से चुनकर लिखिए. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्प से चुनकर लिखो. तो पहलो विकल्प छे, चरवाहा कहाँ रहता था? तो चरवाहा एक करणपुर में रहता था, करणपुर नाम के गांव में रहता था. नंबर 2, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? तो सही जवाब आएगा भेड़ बकरियों से. चरवाहा भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था. नंबर 3, चरवाहा क्या कहकर चिल्ला रहा था? तो शेर आया ऐसे कहकर चरवाहा चिल्ला रहा था. नंबर चार, सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा? सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा रोने लगा. जवाब आएगा रोने लगा. नंबर 5, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? तो नुकसान हुआ. चरवाहे की बुरी आदत के कारण नुकसान हुआ. प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो नंबर 1, एक गांव में एक खलजिया रहता था तो चरवाहा. नंबर 2, चरवाहे के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खलजिया दौड़ आए तो उत्तर आएगा लोग. नंबर 3, बाघ एक खलजिया लेकर चला गया तो उत्तर आएगा बकरी. बाघ एक बकरी लेकर चला गया. नंबर 4, अपनी बुरी आदत पर वह खलजिया लगा तो रोने लगा. आ तो प्रश्न नंबर 2. हवे चाहिए प्रश्न नंबर 3. नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1 छे, यातायात की सूची बनाइए. यातायात के साधनों की सूची बनाइए. तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, हवाई वगैरह वो यातायात के साधन है. नंबर 2, पानी में कौन कौन से साधन चलते हैं? तो पानी में नाव और जहाज चलते हैं. प्रश्न नंबर 3, आकाश में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई देते हैं? तो आकाश में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिखाई देते हैं. प्रश्न नंबर 4, चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता था? तो चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराता था. प्रश्न नंबर 5, एक दिन अचानक चरवाहे को क्या सूझा? तो एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक सूझा. प्रश्न नंबर 6, बाघ ने क्या किया? तो बाघ बकरी लेकर चला गया. आ छे प्रश्न नंबर 3. हवे आपणे आगळ जोईए प्रश्न नंबर 4. तेमा प्रश्न नंबर 4 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखो. प्रश्न 1 है, आप यातायात के किन साधनों में बैठना पसंद करते हैं? तो हम यातायात के मोटर कार, रिक्शा, स्कूटर, बैलगाड़ी, तांगा वगैरह आदि साधनों में बैठना पसंद करते हैं. प्रश्न नंबर 2, आपको फूल क्यों पसंद है? तो फूल की सुगंध बड़ी ही अच्छी लगती है, वह रंग बिरंगी होते हैं, इसीलिए फूल हमें पसंद है. आगल चाहिए प्रश्न नंबर 5, गुजराती नामों के आगे हिंदी नाम लिखिए. आपने गुजराती नाम આપવામાં આવ્યા છે, તેની સામે આપણે હિન્દીમાં નામ લખવાના છે. તો સૌપ્રથમ છે 1, સ્કૂટર. તો સ્કૂટર, બસ,
कार એટલે કે મોટર કાર, ગુલાબ એટલે ગુલાબ, મોગરો એટલે મોગરો, રિક્ષા એટલે રિક્ષા, બળદગાડું એટલે બેલગાડી, ઘોડાગાડી એટલે કે તાંગા, સ્ટીમર એટલે સ્ટીમર અને જાસૂદ એટલે ગુડહલ. તો આ રીતે આપણે ગુજરાતી નામની સામે હિન્દીમાં નામ લખવાના છે. આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 6, માતૃભાષા મે અનુવાદ કરો. માતૃભાષામાં અનુવાદ કરો. નીચે આપણને હિન્દીમાં 3 વાક્ય આપવામાં આવ્યા છે, તે આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાના છે. પહેલું વાક્ય છે, રેલગાડી પટરી પર ચાલતી હૈ, રેલગાડી પાટા પર ચાલે છે. નંબર 2, મેને રેલ કા ટિકિટ ખરીદા, મે રેલવે ની ટિકિટ ખરીદી. નંબર 3, ચરવાહા ભેડ બકરિયા ચરાતા થા, ગોવા ઘૂંટા બકરા ચરાવતો હતો. આપણે પાઠ 1 નું રિવિઝન કર્યું, હવે આપણે પાઠ 2 ની વર્કશીટ નું રિવિઝન કરીશું. પાઠ 2 નું નામ છે ગિનતી. તો તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નિમ્નલિખિત સંખ્યાઓ કે અંકો મે લખી, નિમ્નલિખિત સંખ્યાઓ કો અંકો મે લખી, હમે કુછ સંખ્યા લી હૈ શબ્દ મે, હમે ઉસે સંખ્યા મે લખની હૈ. તો આમાં એક મિસ્ટેક છે અને આ સંખ્યા આપણે હિન્દીમાં અંકમાં લખવાની છે. આ સંખ્યા આપણે હિન્દીમાં અંકમાં લખવાની છે. સૌ પ્રથમ છે 48, તો હમ લખેંગે 48. ત્યારબાદ 22 એટલે 22, 29 એટલે 29, 28 એટલે 28, 38 એટલે કે 38, 23 એટલે કે 23, 26 યાની કે 26, 37 યાની કે 37, 44 એટલે કે 44, 33 એટલે કે 33, 27 એટલે કે 27, 9 એટલે 9. આ રીતે આપણે શબ્દમાં આપેલ છે તે આપણે અંકમાં લખવાની છે. 48, 29, 38, 26, 44, 27, 22, 28, 23, 37, 33 ઓર 9. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત સંખ્યાઓ કો શબ્દો મે લખીએ, નિમ્નલિખિત સંખ્યાઓ કો શબ્દો મે લખીએ. તો હિન્દીમાં સંખ્યા આપેલી છે, આપણે તે શબ્દોમાં અંકમાં આપેલી છે, આપણે તે શબ્દોમાં લખવાની છે. તો સૌ પ્રથમ છે 29, 26, 29, 34, 36, 47, 43, 35, 49, 14 ઓર 24 ઓર 41. તો આ અંકમાં અને આ છે શબ્દમાં. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, સહી જોડે મિલાઈએ, તો સાચા જોડકા જોડવાના છે. સૌ પ્રથમ છે 45, તો તેની હિન્દીમાં કહેવાય 45. ત્યારબાદ 39 યાની કે 39, 46 યાની કે 46, 31 યાની કે 31 એટલે કે 31, 48 યાની કે 48 અને 26 યાની કે 26. તો આ રીતે આપણે અંકોમાં આપેલી સંખ્યાને શબ્દ સામે જોડવાની છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે દિયે ગયે સબ વિકલ્પો સે સહી વિકલ્પ ચુનકર ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નો કે સામે બોક્સ મે લખીએ. તેમાં એક છે, યાતાયાત પાઠ કા પ્રકાર બતાઈએ, તો યાતાયાત પાઠ કા પ્રકાર હમે ઓપ્શન દિયા હૈ, નિબંધ, આત્મકથા, નવલિકા ઓર ચિત્રપાઠ. તો સહી ઉત્તર આયેગા ચિત્રપાઠ. આગે નંબર 2, ઓટો રિક્ષા કે કિતને પહિયે હોતે હૈ, ઓટો રિક્ષા કે કિતને પહિયે હોતે હૈ, તો ઓપ્શન હૈ 3, 4, 2 ઓર 8. તો સહી ઉત્તર આયેગા 3, ઓટો રિક્ષા કે 3 પહિયે હોતે હૈ. નંબર 3, યાતાયાત પાઠ મે યાતાયાત કે સાધન ઓર કિસકા સુંદર ચિત્ર હૈ, તો ગાંવ કા, શહેર કા, બગીચે કા યા તાલાબ કા. તો સહી ઉત્તર આયેગા બગીચે કા. તો યાતાયાત પાઠ કે પાઠ મે યાતાયાત કે સાધન ઓર બગીચે કા સુંદર ચિત્ર હૈ. નંબર 4, ગિનતી ક્રમ સે બોલતે જઈએ ઓર ખાલી જગહ મે સંખ્યા લખીએ, તો ગિનતી હમે બોલની હૈ 36, 37, 38, 39 ઓર 40. તો સહી ઉત્તર આયેગા 39. નંબર 5, 23 ખાલી જગ્યા 25, 26, 27, તો
जवाब आएगा 24, 23 के बाद आएगा 24, तो सही उत्तर आएगा 24, तो सही उत्तर आएगा 24, 23, 24, 25, 26, 27। नंबर 6, 43, 42, 43 और 44, और उसके बाद आएगा 45, तो जवाब आएगा 45। आहतु अपने पाठ 2 नी वर्कशीट नु रिविजन करियू, हवे अपने पाठ 3 नु रिविजन अपना पाठ्यपुस्तक माथी करीशू। तो पाठ 3 नु नाम छे नन्ना मुन्ना राही हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, जिसमें हमें इस गीत में बालक सैनिक देश को आगे बढ़ने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न होने तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना व्यक्त है। ये लिखा है शकील बदायूं ने। ये हमने पाठ का सारांश हमने टूक में समझा। अब हम आगे देखेंगे शब्दार्थ। हवे आपने शब्दार्थ जोईशु, आपने पाठ नो भावार्थ टूक में जोयो, हवे आपने शब्दार्थ जोईए। शब्दार्थ छे नन्हा एटले छोटा, धूप एटले तड़को, राही एटले मुसाफिर यात्री, सिपाही एटले सैनिक, वतन एटले देश जन्मभूमि, मंजिल एटले के लक्ष्य और ध्येय, चलन एटले व्यवहार, आचरण एटले के दम, सांस बम एटले के विस्फोटक, बम एटले के विस्फोटक, दम एटले के सांस, बम एटले विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, और कदम एटले पैर। आ हता शब्दार्थ। हवे आपणे आगळ मुहावरा जोईए। तो मुहावरोमां पहला है आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा, और भी इसका वाक्य बनता है हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। हवे आपणे आगळ स्वाध्याय जोईए तेनु। तो स्वाध्यायमां प्रश्न नंबर 1 छे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो तेमा नंबर 1 छे धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, तो धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। नंबर 2 दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा, दुनिया की आंखों का तारा नन्ना मुन्ना राही बनेगा। नंबर 3 नन्ना राही सबको क्या सिखाएगा, तो नन्ना राही सबको आगे बढ़ना सिखाएगा। नंबर 4 नन्ना राही दुनिया में क्या गिनने नहीं देगा, तो नन्ना राही दुनिया में बम नहीं गिनने देगा। नंबर 5 देश का सिपाही कौन है, तो नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही है। नंबर 6 नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा, तो नन्ना राही रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चलेगा। आज है प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों ने तेना जवाबो। अगर आपने जुए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम इतने के विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए, निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो विरोधी शब्द लिखना है आगे, तो आगे का विरोधी है पीछे, हमें यहाँ पे लिखा है पीछे। बड़ा, तो बड़ा का विरोधी है छोटा, बड़ा का विरोधी है छोटा। दाया, तो दाया का विरोधी है बाया। धूप, तो धूप का विरोधी है छांव। धरती, तो धरती का विरोधी है आकाश। ऊंचा, तो ऊंचा का विरोधी है नीचा। विलोम शब्द यानी कि उसका विरुद्ध, उसका विरुद्ध शब्द होता है जिसे हम विरोधी शब्द कहते हैं। तो ये थे विलोम शब्द, इतने क्या आता विरोधी शब्द। हवे आपने आगे जुए प्रश्न नंबर 3 मां नीचे दिए गए शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, तो आपने शब्दनो समान अर्थ वाला शब्दों आपने लखवाना छे। जे शब्दनो समान अर्थ थतो होय तेने समानार्थी शब्द कहेवाय। सौप्रथम छे राही, राही नो समानार्थी छे मुसाफरी अने पंथी, मुसाफरी अने पंथी, समानार्थी नो विरोधी छे मुसाफिर अने पंथी। नंबर 2 सिपाही, तो सिपाही का विरोधी है फौजी और सैनिक। सिपाही का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है फौजी और सैनिक।
त्यार बाद धरती, तो धरती नु विरोधी छे पृथ्वी अने धरा। धरती का विरोधी नहीं, समानार्थी। तो धरती का समानार्थी है पृथ्वी और धरा। धरती का समानार्थी पृथ्वी और धरा। त्यार बाद रास्ता, तो रास्ते का समानार्थी है पंथ और राह। रास्ते का समानार्थी है पंथ और राह। त्यार बाद मंजिल, तो मंजिल का समानार्थी है लक्ष्य और ध्येय। मंजिल का समानार्थी है लक्ष्य और ध्येय। तो आ आपणे पाठ नंबर आगळ जोईए, नंबर चार, प्रश्न नंबर चार, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद करो। नंबर एक छे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। नंबर बे, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बालको रस्ता पर डरिया वगर चाली सकशे। नंबर त्रण, मैं देश का सिपाही हूँ, हूँ देश नो सैनिक छू। नंबर चार, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में क्या पण बम पड़शे नहीं। नंबर पांच, हमारे देश का नाम भारत है, अपना देश नु नाम भारत छे। आ तो मातृभाषा में अनुवाद। आगल छे प्रश्न नंबर पांच, निम्नलिखित भावार्थ के साथ संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो तेमा नंबर एक छे, नन्ना राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। नन्ना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो मंजिल से पहले न लूगा कहीं दम। आ एक वाक्य छे अने आ छे कविता मा आपेलू वाक्य। आ नंबर त्रण छे, नन्ना राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। आ वाक्य कविता कविता ना सारांश मा छे अने आ छे एक वाक्य ना सारांश मा। तो आ रीते अपने हवे आगळ प्रश्न नंबर छ जोईए। उचित शब्द चुनकर लिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। नंबर एक, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। नंबर बे, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। नंबर पांच, हम खाली जगह है, तो हम पढ़ते हैं। तो आ हतो आपनो पाठ त्रण नो रिविजन। तो आजे करावेल वर्कशीट एक, वर्कशीट बे अने पाठ नंबर त्रण, इतले के पाठ एक बे अने त्रण नो रिविजन जे तमारे करे तेनु वाचन करवानु छे अने पुनरावर्तन करवानु छे।